नमस्कार, मैं हूं रौनक। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की सबसे खास बात होती है उनकी ऑर्डिनरी कहानी। यानी नॉर्मल से स्पेशल बनने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस जिंदगी में आप जैसे हो वैसे ही बने रहो। इसी बीइंग नॉर्मल होने की कहानी दर्शाती है फिल्म शकुंतला देवी। आइए इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। एक छोटे से गांव की लड़की शकुंतला बचपन से ही मैथ्स के सवाल चुटकी बजाते ही हल कर लेती है। मुश्किल से मुश्किल नंबर्स को वो ठीक वैसे ही आसानी से हल कर देती है जितनी आसानी से हमारी आर्मी बॉर्डर पर देश के दुश्मनों को पेल देती है। एक बार चिराग घिसने पर जिन को निकलने में तो टाइम लग सकता है, लेकिन शकुंतला के मुंह से आंसर निकलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। लेकिन उसकी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है। घर का खर्च चलाने के लिए वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करती है और पहुंच जाती है इंग्लैंड। इस बीच स्टोरी इतनी तेज भाग जाती है कि उसके फ्लो में दर्शक वैसे ही बह जाते हैं जैसे आजकल बाढ़ में घर बहे जा रहे हैं। उसके फ्लो को पकड़ने के लिए कुछ चीजें आपको अपने आप में ही अज्यूम करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे बाढ़ में फंसी जनता ये अज्यूम कर लेती है कि सरकार कुछ नहीं करेगी, सब हमें ही करना है। इसी बीच कई कैरेक्टर्स फिल्म में जितनी तेजी से आते हैं उससे दुगनी तेजी से भाग जाते हैं। भाई कम से कम उनसे कोरोना के खिलाफ दो चार लाइन्स ही बुलवा लेते जब उनको कैरेक्टर रखा है तो। खैर, बचपन के स्ट्रगल ने शकुंतला देवी के अंदर इतनी सारी बातें भर दी हैं कि अब वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती। थोड़े टाइम में वो आधी से ज़्यादा दुनिया घूमकर हिंदुस्तान का नाम रोशन कर देती हैं। इस बीच सबसे लंबी इक्वेशन सॉल्व करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी उन्हीं के नाम दर्ज हो जाता है। लेकिन यहां से उनके एम्बिशन उनकी ज़िंदगी पर न सिर्फ असर डालने लग जाते हैं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से हिल जाती है। अब यहां से वो अपने टैलेंट और एम्बिशंस के साथ अपनी जिंदगी संभाल पाएंगी या नहीं, आगे की कहानी क्या होगी, इसको जानने के लिए करीब 2 घंटे कुछ मिनट की ये फिल्म है, आप खुद देखिए और जान जाइए। शकुंतला देवी जी के बारे में आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए, वो एक मेंटल कैलकुलेटर और एक ह्यूमन कंप्यूटर तो थी। बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज कराया। कई सारे नॉवेल्स और टेक्स्ट भी लिखे अबाउट मैथ्स, पजल्स एंड एस्ट्रोलॉजी। इसके अलावा द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स नाम की एक किताब भी लिखी, विच इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्टडी ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया। इसके अलावा उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, वो भी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। इस फिल्म में थोड़ी सी झलकी भी आपको इसकी दिखाई देगी, इसलिए आप इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए जरूर पढ़ें। वैसे फिल्म में जो प्लस पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। विद्या बालन की जबरदस्त एक्टिंग है, बहुत सारे लोगों को मजा आ जाएगा, जो उनके फैंस हैं उनको तो सुपर मजा आ जाएगा, पर एक बात तो कहनी होगी, बड़ी ही नेचुरल एक्टिंग करती हैं। इसके अलावा अमित साध और सानिया मल्होत्रा ने भी बढ़िया काम किया है। इस साल के कैलेंडर में संडे उतनी बार नहीं दिखा है जितनी फिल्मों और वेब सीरीज में अमित साध भाई दिख गए हैं, लेकिन अच्छा किया है इन्होंने, ऑल द बेस्ट। बाकी फिल्म में पेरेंट्स के बीच के स्ट्रगल कैसे बच्चों के फ्यूचर पर असर डालते हैं ये भी बढ़िया दिखाया गया है। ये फिल्म बहुत सारे लोगों को रियलिस्टिक भी लग सकती है, क्यों? क्योंकि इसको देखने के बाद एक बार मैथ सब्जेक्ट से प्यार होने लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम में आप रियलिटी से वाकिफ होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका डब्बा तब भी गोल था मैथ्स में और अब भी आप नील बट्टे सन्नाटा ही हैं। वैसे फिल्म में कुछ खामियां कुछ कमियां भी लोगों को लग सकती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म एक बायोपिक से ज़्यादा एक पर्सनल स्ट्रगल बनकर रह जाती है, जहां हमें मैथमेटिशियन शकुंतला देवी से ज़्यादा एक मदर शकुंतला देवी देखने को मिलती है। फिल्म में कहीं कहीं ऐसा भी लगता है जैसे दुनिया की सारी गलतियां हम मर्दों ने ही की है। एक पावरफुल इमेज और सब्जेक्ट होने के बावजूद इसमें हमेशा आदमी ही गलत होता है, ये फंडा थोड़ा समझ से बाहर है। पर मैं क्लाइमेक्स के बारे में तो क्या ही बताऊं आपको, मेरे सिर के ऊपर से मिचेल स्टार्क के बाउंसर की तरह ये निकल गया और मुंह से यही निकला कि भाई इतनी भी क्या तेजी थी क्लाइमेक्स लिखने में, थोड़ा टाइम ले लेते, क्वारंटीन में जाना था क्या आपको। वेली फिल्म अच्छी है या बुरी है इसे आप खुद देखकर जज करिए, क्यों किसी और के रिव्यू पर जाने का, थोड़ी अपनी भी अकल लगाने का। फिल्म बनाने में बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है, इसलिए हर एक फिल्म देखकर आने का, एक सेकंड, देखकर आने का मतलब बाहर नहीं जाना, बाहर कोरोना है ठीक है, और वैसे भी थिएटर्स खुले नहीं है, आप घर पे बैठकर फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, आरजे रौनक नोपो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मेन आरजे रौनक चैनल पर भी आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो इस वक्त मिली होगी, अगर नहीं गए हो तो वहां पर भी जाना, वो इंपॉर्टेंट वीडियो भी जरूर देखना। अपना ख्याल रखना, नमस्कार एंड जय हिंद।